हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो आज हम बात करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज की क्लास 11 चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड हम चलते हैं, क्योंकि हमें पता है जो नीट के पेपर हो, चाहे एम्स के हो या जिपमर के हो, सारे एनसीईआरटी से ही सेट किए जाते हैं। एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन पूछी जाती है एग्जाम में। तो हमने 16 चैप्टर के बहुत ही अच्छे क्विक रिवीजन सीरीज और क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज देख ली है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 17 में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट। तो देख सकते हैं आप जो पहला पैराग्राफ है, इसमें मैंने दो चीजों का यूज किया है, दो हाइलाइटर का। एक तो येलो हाइलाइटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिससे वो चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है जो एग्जामों में पूछी जा सकती है, और एक रेड हाइलाइटर से मैंने वो चीजों को अंडरलाइन किया है जो एग्जामों में पूछी गई है पिछले 10 सालों में, चाहे एम्स में हो या नीट हो, सब में जो पूछी गई है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है। तो देखिए, पहली चीज तो ये पैराग्राफ जो है, इसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस क्लियर नहीं बता रखा है, तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन बोल देते हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन एटीपी के फॉर्म में रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, वहीं ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस है। इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते ब्रीदिंग में, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ऑक्सीजन जो भी यूटिलाइजेशन चल रहा है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो ग्लूकोज वगैरह, एमिनो एसिड्स वगैरह को तोड़ने में काम आ रहा है, फिर उससे CO2 रिलीज होगा। तो आपको पता है ये CO2 डेंजरस है हमारे बॉडी के लिए, खतरनाक है, तो इसको बॉडी से तो बाहर आना होगा। बिल्कुल हाँ, तो ये पैराग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं, आज तक यहां से तो क्वेश्चन ऐसे बने नहीं है, और बनते भी तो एनिमल किंगडम से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम का ही ये पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कुछ जनरल बॉडी सरफेस से करने वाले रेस्पिरेशन, जैसे कि जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि स्पंजेस हो गए जो पोरीफेरा में आते हैं, सिलेंटेरेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स वगैरह हो गए, तो इनका डायरेक्ट एक्सचेंजिंग चलता है बॉडी सरफेस से ही। इसके बाद अर्थवर्म्स है, मॉइस्ट क्यूटिकल से, इंसेक्ट है, ट्रैकियल ट्यूब से करते हैं रेस्पिरेशन। देन कुछ ऐसे भी हैं जो गिल्स से करते हैं, जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मलस्क वगैरह, या जो फिशेस होती हैं वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करती है, मींस गिल्स से रेस्पिरेशन चलता है। और लंग्स से करने वाले, जिनको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, उनमें हैं जैसे फिश, तो आपको पता ही है गिल्स यूज करते हैं, वहीं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। वहीं फ्रॉग को अगर हम देखें, तो फ्रॉग टोटल अगर वाटर में है तब तो वो स्किन से करेगा, अपने मॉइस्ट स्किन से, तो जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर लैंड पे है वो, तो लंग्स से करेगा, लंग से 56% करता है, स्किन से 36% और बक्कल कैविटी से भी करता है। तो मैं बोल सकता हूं, चाहे वो जमीन में हो चाहे पानी में हो, वो हमेशा स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। बिल्कुल हाँ, हाइबरनेशन हो, एस्टिवेशन हो, सब में स्किन से ही ट्रांसफर करता है, ये रेस्पिरेशन करता है, और ब्लड जो है उसमें वो गैसियस ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो इतनी बातें थी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड। तो चलिए अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखते हैं ह्यूमन का। ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर हम रूट देखेंगे, तो पहले तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आते हैं, इसके बाद नेजल चैम्बर आते हैं, इसके बाद नेजोफेरिंग्स आता है, नेजोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स आपको दिख ही रहे हैं, इसके बाद ग्लॉटिस आता है, ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स आप देख रहे हैं, ये साउंड बॉक्स को बोला जा रहा है, इसके बाद ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री आते हैं, देन रेस्पिरेटरी ट्री आते हैं। यहां तक का हमारे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फेरिंग्स है, फेरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। एक चीज और, जैसे हम जब स्वेलिंग कर रहे हैं, जब खाना को निगल रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ब्रीदिंग रेट 0 होता है, लेकिन हम जब खा रहे होते हैं तो उस समय नॉर्मल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने बताया, आपको याद रखोगे आप। इसके बाद लैरिंग्स की जिक्र आती है, जो कि वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, पता है हमें, साउंड बॉक्स प्रोडक्शन इसको बोला जाता है। इसके बाद अगर हम खा रहे होते हैं, तो उस समय जो ग्लॉटिस है, तो उसको कवर किया जाता है एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 2-3 बार, मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। तो कैसा होता है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फूड को प्रिवेंट करता है कि वो लैरिंग्स में ना जाए। इसका क्वेश्चन जो पूछा गया है एम्स 2012 में, कि कोई खाना खा रहा है आदमी, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को ग्लॉटिस में जाने से
हेल्प करेगा कि वो ना जाए। कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आंसर गया था, एपिग्लॉटिस इसको बोला गया है। इसी तरह का क्वेश्चन एक थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इन प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया, जिसमें बोला गया एक डाइनिंग टेबल पे दो फ्रेंड्स साथ में खा रहे हैं, उसमें से एक को अचानक कफिंग स्टार्ट हो गई जब खाना वो खा रहा था, निगल रहा था खाना, तो ये कफिंग क्यों हुई, इम्प्रोपर मोमेंट किसका रहा? तो अब बताओ किसका रहा ये इम्प्रोपर मोमेंट? एपिग्लॉटिस का, बिल्कुल सही। अब ट्रैकिया के बारे में हम बात करते हैं। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, बिल्कुल मिड थोरेसिक कैविटी से इसका आगे डिवीजन होगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा से, जो कि आगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जाकर इसका कन्वर्जन होता है। तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में इनका डिवीजन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम में देख भी सकते हैं, जैसा कि रिंग बना हुआ है तो रिंग इनकम्प्लीट होती है, ये रिंग सपोर्ट देने का काम कर रहा है, तो ये जो रिंग है डॉर्सली जो होता है, ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, रिंग सी शेप्ड रिंग है, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट होते हैं, डॉर्सली होते हैं, आपको ये याद रखना है। ये क्यों है? क्योंकि ये कोलैप्स ना करे, इसलिए ये यहाँ पे कि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, इसलिए ये जरूरी है। इसके बाद जो लंग्स में क्या क्या होते हैं, तो नेटवर्क्स होते हैं ब्रोंकी के, ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वेलाई होते हैं, तब जाकर लंग्स बनता है। इसके बाद इसमें डबल लेयर्ड प्लूरा है, प्लूरा के अंदर प्लूरल फ्लूड भरी हुई है, उसका काम क्या है कि ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के काम आता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है लंग सर्फेस पे। अब देखिए एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है जो थोरेसिक कैविटी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम आपसे पूछा गया है, तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट 2013 में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। तो लेबलिंग आप याद रखेंगे, इसके फंक्शंस भी याद रखेंगे जो दे रखे हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट यही डिट्टो डायग्राम आया है। हाँ, इसके बाद जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सर्फेस से कनेक्टेड होता है, कॉन्टेक्ट में होता है। उसके बाद जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है ना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का, तो उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। दो पार्ट यहां होते हैं लंग्स के अंदर, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट हमारा जिसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, और एक होता है रेस्पिरेटरी ट्री जिसको एक्सचेंजिंग जोन बोलते हैं। तो दोनों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन में जनरली हेल्प करते हैं, एयर फिल्ट्रेशन में, कूलिंग और वार्मिंग में इनका हेल्प होता है, कंडक्शन में इनका हेल्प होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमिडिफाइज वगैरह दे रखा है। अब जो एक्सचेंजिंग पार्ट होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्री जिसको बोला जाता है, वहां एक्चुअल डिफ्यूजन चल रहा होता है O2 और CO2 का ब्लड और एटमोस्फेरिक एयर के बीच, जैसा कि एल्वेलाई के पास होता है ऐसा। नेक्स्ट बात आती है, जो लंग्स हैं वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है, जरूरी भी है एयर टाइट चैम्बर, क्योंकि ब्रेदिंग के लिए ये इसेंशियल होता है। अब देखिए किस तरह डॉर्सली है, वेंट्रली, लैटरली, क्या है थोरेसिक चैम्बर, कैसे फॉर्म हुआ? तो थोरेसिक चैम्बर जो है डॉर्सली तो वर्टेब्रल कॉलम से पीछे की ओर, वेंट्रली जो आगे की ओर हमारा स्टर्नम होता है आपको पता है, लैटरली बाय रिब्स आपको पता है, और लोअर साइड में डोम शेप्ड डायफ्राम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या मसल्स का टाइप है डायफ्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोम शेप का होता है ये। तो एनाटॉमिकल सेटअप जो हमारे लंग्स का है थोरैक्स में, वो बहुत ही गजब का है, क्योंकि पल्मोनरी कैविटी भी हम पढ़ा सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट डायरेक्ट हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी भी था ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम अल्टर फिल नहीं कर पाते अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को, हम देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब नेक्स्ट बात आती है रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स आ रहे हैं, सॉरी रेस्पिरेशन में जो फॉलोइंग स्टेप्स है वो दे रखे हैं यहाँ पे, जैसा कि पहला जो प्रोसेस है ब्रीदिंग होगा जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसमें कि एटमोस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं और CO2 जो रिच एल्वेलर एयर है वो बाहर चला जाता है। डिफ्यूजन जो गैस का है उसमें O2 और CO2 का एल्वेलर मेम्ब्रेन से होता है आपको पता ही है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं गैसेस के ब्लड से, डिफ्यूजन होना है ब्लड और टिश्यूज के बीच O2 और CO2 का। इसके बाद जो लास्ट है O2 का यूटिलाइजेशन होना है सेल से कैटाबॉलिक रिएक्शन में, और कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो आपको पता है CO2 इसमें रिलीज होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं बखूबी से। तो यहां तक ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ। इसमें दो स्टेप्स आएंगे, एक तो इंस्पिरेशन होता है और एक एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो दोनों का मतलब पहले आप समझें, जो इंस्पायरेशन होता है उसमें जो एटमोस्फेरिक एयर है वो अंदर की ओर आ रहा है, और जो एक्सपायरेशन होता है उसमें जो एल्वेलर एयर है उसमें बाहर की ओर जाता है। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, जो इंस्पिरेशन होता है उसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम अंदर की ओर ले रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हैं आप एक्सपायरेशन में, तो चलिए कुछ डिफरेंसेस के थ्रू मैं आपको बताता हूं।
पहले जैसे एक इंस्पिरेशन की बात करेंगे और इधर एक्सपायरेशन की बात करेंगे। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन में 2 सेकंड टाइम लगता है और एक्सपायरेशन में 3 सेकंड टाइम लगता है। इंस्पायरेशन में डायफ्राम और EICM जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सपायरेशन में वही रिलैक्स होते हैं। इंस्पिरेशन में आपको पता है थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और एक्सपायरेशन में वो डिक्रीज कर जाएगा। इंस्पिरेशन में जो लंग्स पे प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, एक्सपायरेशन में वो इंक्रीज करेगा। इंस्पिरेशन में लंग्स एक्सपैंड होंगे, एक्सपायरेशन में लंग्स कॉम्प्रेस होंगे। इंस्पिरेशन में जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा और एक्सपायरेशन में वही चीजें डिक्रीज होंगी। IPP वैल्यू तो आपको मैं बता ही चुका हूं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है। और इंस्पायरेशन में एयर जो है लंग्स की ओर मूव करेगा और एक्सपायरेशन में वो लंग्स से बाहर जाएगा। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें ये आपको पता होना चाहिए जो हमारे लंग्स के अंदर जो एटमोस्फेरिक निगेटिव प्रेशर होता है वो जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स करते जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स कर पाते, बिकॉज क्योंकि हमारे अंदर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो हमेशा नेगेटिव प्रेशर होता है। देयर इज अ नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। ये सब मैंने बता चुके हैं, मसल्स आपको सब कुछ बता दिया है मैंने, तो आप एक बार इसको लगा देंगे, रीडिंग लगा लेंगे एक बार। जो हमारा प्राइमरी मसल होता है ना ब्रीदिंग के लिए, वो आपसे पूछा जाएगा तो कौन है, डायफ्राम या EICM? तो डायफ्राम है हमारे अंदर, वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप याद रखेंगे। जो हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है ना, उसको ही यहाँ पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोला जाता है या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम कर रहे होते हैं ना, उसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, क्योंकि उसमें डायफ्राम लगभग 75% रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया निगेटिव होता है प्रेशर, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। अगर देखिए इसके आगे कुछ बातें बता रखी है इसमें, आप इसे पार्ट पढ़ लेंगे, सब कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया है। ये जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, पूरी की पूरी बिल्कुल बता रखा है इसमें आपको इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के बारे में। अब देखिए हमारे पास एबिलिटी है कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, क्योंकि हमारे पास एडिशनल मसल्स हैं इसके लिए। एडिशनल मसल्स कौन कौन से हैं, IICM है, एब्डोमिनल मसल्स है, तो इसी को तो बोलते हैं ना फोर्सफुल ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग, इसको ही तो बोलते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन आपसे सिर्फ एक्सपायरेशन पूछा जाएगा, दैट इज पैसिव प्रोसेस। फोर्सफुल है एक्सपायरेशन, दैट इज एक्टिव प्रोसेस, और इसमें डायफ्राम और EICM रिलैक्स होते हैं, लेकिन IICM जो होता है और एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें करते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब मैमल्स के पास नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है, इसलिए तो हम खा भी सकते हैं और ब्रीदिंग भी ले सकते हैं। अब बात आती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आप देख सकते हैं कितने रेड हाइलाइटर चले हैं इस पे, इतने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां से, 2006-07 से ही क्वेश्चन अब तक पूछी जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तभी तो जो पहला चीज है हमारा वो है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइडल वॉल्यूम में सिंपल सा जो नॉर्मल चल रहा है रेस्पिरेशन में, जो वॉल्यूम हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। यहां से डेफिनेशन तो कम ही पूछी गई है, वैल्यूज ज्यादा पूछी जाती हैं, तो वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। तो पहला आप देख रहे हैं 500 ml। एक हेल्दी आदमी जो है इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है पर मिनट 6000 से 8000 ml कर सकता है एयर। इसके बाद आती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV बोला जाता है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में कितना कोई एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है, दैट इज 2500 से लेकर 3000 ml तक का, मतलब 2.5 से 3 लीटर तक का। इसके बाद आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV जिसको बोलते हैं। ये फोर्सिबल एक्सपिरेशन में ये बातें की जा रही हैं, 1000 से 1100 ml तक होता है इसका वैल्यू। आगे बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। तो यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, मैं क्वेश्चंस भी आपसे लूंगा। तो चलिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो जो भी हमारे लंग्स में एयर बच जाता है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब एक बात आती है कि लंग्स तो बने हुए हैं एयर फिल्ड सैक्स के, जो एल्वियोलाई होता है, कोलैप्स नहीं कर रहे हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट होता है, इसलिए वो नहीं कर पाते। तो यहां आपको समझ में आ चुका होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना भाई, 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद पल्मोनरी कैपेसिटीज, अगर हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड कर दें तो पल्मोनरी कैपेसिटीज खुद ब खुद आ जाती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कोई भी पर्सन ले सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद,
तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसका वैल्यू होता है टीवी प्लस आईआरवी। तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो 3500 ml आता है। इसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, इसमें टीवी प्लस ईआरवी आप जोड़ दोगे तो टोटल का वैल्यू जो है लगभग 1600 ml आता है, 1100 + 500 आपको याद ही होगा। इसके बाद ये हमारा वाइटल कैपेसिटीज है, तो वाइटल कैपेसिटी के बारे में जो हमारा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है वाइटल कैपेसिटी, सिंपल सा पार्ट ये है, जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है कोई भी फोर्स एक्सप्रेशन के बाद ले रहा है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। इसमें हम टीवी को भी जोड़ते हैं, ईआरवी को भी जोड़ते हैं, आईआरवी को भी जोड़ते हैं, तो ये टोटल वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आता है वो 4600 ml होता है, ठीक है। तो ये हम शायद भूल गया बताना, मैं एफआरसी आपको बता, लगभग 2300 ml इसका वैल्यू आता है। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी तो सबसे सिंपल है, लंग्स में हम टोटल कितना एयर एकोमोडेट कर सकते हैं एक फोर्स इंस्पिरेशन के साथ, तो इसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वैल्यू आती है 5800, मतलब 5.8 लीटर इसकी वैल्यू आती है। सबको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पूरा का पूरा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज। अच्छा मेजर कैसे करते हैं, तो स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है उसमें दो साइट होते हैं, एक तो एल्वोलाई होता है जो कि सबसे प्राइमरी साइट है, पूछा गया है यहां से क्वेश्चन, और दूसरा ब्लड और टिश्यूज के बीच होती है, दो साइट यहाँ पे होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहे हैं हम तो मानते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन से बिल्कुल चल रहा है, इसमें कुछ चीजें पे बेस्ड होता है ये। पहला जो प्रेशर ग्रेडियंट है उस पे ये इंपॉर्टेंट है, जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट होता है। उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी है उस पे ये डिपेंड करता है, और थिकनेस, मेम्ब्रेन का थिकनेस कैसा है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का, उस पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन का रेट आखिर कैसा होगा। और बात आती है नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर तो एक सिंपल सा चीज है, जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो भी अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है हर एक गैस का, तो उसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2, ये कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, वैल्यूज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो चलिए ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी चार्ट से रिलेटेड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स इज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन में थे आपके लेस देन दैट इन द ब्लड, बिल्कुल नहीं, मोर देन दैट इन द ब्लड, बिल्कुल हाँ। एल्वोली में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का कितना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है एज कम्पेयर टू, चाहे डिऑक्सीनेटेड ब्लड से ले लो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ले लो, तो हमेशा एल्वोलाई में ज्यादा ही होगा, मोर देन दैट इन द ब्लड। ये बातें पूछी गई थी आपसे नीट 2016 में, तो ये क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं साथ साथ। ये जो डायग्राम है आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल सा बता रखा है, एक तरफ से तो इंस्पायरेशन चल रही है, एक तरफ से एक्सपिरेशन चल रही है। ये एल्वेली है पूरा का पूरा पार्ट, वैल्यूज आपको दे रखे हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड गया लंग्स में, यहाँ पे गया ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेंस में आए हैं, देन सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबका वैल्यूज आपसे दे रखा है। तो बॉडी टिश्यूज में भी चल रही है एक्सचेंजिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो हमने बात की थी अभी सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो 20 से 25 गुना ज्यादा होता है CO2 का सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू O2, ऐसा केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है तीन मेजर लेयर्स की ये बनी हुई होती हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके बाद जो एल्वेलर कैपिलरीज होती हैं उसके एंडोथेलियम के, जो सबसे लास्ट होता है दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टांस होती है, जैसा कि आप ये डायग्राम में बिल्कुल देख सकते हैं, बेसमेंट सबस्टांस है हमारे पास। एक डायग्राम भी आपसे पूछा गया है, ये डायग्राम आपसे 2011 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम। तो ओवरऑल थिकनेस की अगर हम इसकी बात करें तो वो थिकनेस 1 mm से वो कम होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका बेहद बेसब्री से इंतजार हमारा हो रहा था, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और डायरेक्ट बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आती है यहाँ से। तो चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 और CO2 का एक साथ देख लें। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, आप तो जानते ही हैं कोई भी गैस है तो ब्लड ही ट्रांसफर करेगा, तो जैसे 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC ट्रांसफर करता है ऑक्सीहेमोग्लोबिन के फॉर्म में। इसके बाद जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में वो चलता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद CO2 को देखते हैं, CO2 का तीन डेटा हमें याद रखना है, पहला तो 20 से 25% का जो CO2 होता है वो RBC से ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी 70% जो होते हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, ये बल्क ऑफ CO2 जो होता है 70% बहुत ही ज्यादा हो गया ना।
इसके बाद जो 7% CO2 है वो प्लाज्मा के फॉर्म में, प्लाज्मा से होता है डिजॉल्व फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब तो बात करेंगे हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। इसमें हम एल्वियोली लेवल पे बात करते हैं और टिश्यू लेवल पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हेमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसमें आरबीसी मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है हेमोग्लोबिन के साथ, इसको ऑक्सीहेमोग्लोबिन हम बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है, ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, वो चार मॉलिक्यूल्स जो है O2 का वो कंटेन करता है, कैरी करता है। इसके बाद जो बाइंडिंग ऑक्सीजन का है वो प्राइमरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे तो डिपेंडेंट है ही, लेकिन उसको इंटरफेयर करने वाले भी बहुत कुछ हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर CO2 और इसको इंटरफेयर करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर, कुछ ऐसे फैक्टर हैं। अब जो एक कर्व देख रहे हैं ना, ये कर्व कैसा आपको दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल सिग्मॉइड कर्व है। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। तो कर्व कैसा देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व तो बिल्कुल है मौजूद। ठीक, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑक्सीहेमोग्लोबिन का ये कर्व बिल्कुल बन रहा है, तो चाहे तो ये लेफ्ट मुड़ सकता है, चाहे तो ये राइट मुड़ सकता है। तो हमें ये पहले मौजूद इसमें पता होना चाहिए क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट करने में क्या है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम होनी है पहली चीज। जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी कम होना चाहिए, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, पीएच जो है ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर वो जाकर शिफ्ट करेगा लेफ्ट की ओर। इधर अगर राइट शिफ्ट करना है, सब कुछ अपोजिट कर दो, सिर्फ पीएच को डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर बढ़ाओ, पीसीओ टू बढ़ाओ, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाओ, पीएच घटा दो, तो शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि एवरी 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लगभग 5 ml O2 को वो टिश्यू की तरफ ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये हम देख रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। हमने तो ये डेटा देख ही लिया है, कार्बिमिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, टोटल 20-25% जो CO2 है। ठीक है, इसके बाद हम ये डेटा बिल्कुल देख ही चुके हैं कैसे क्या होता है ट्रांसफर, सब कुछ लेफ्ट और राइट जो मैंने बताया है ना आपको, क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में भी ये मैंने बताया है आपको, ये बिल्कुल अच्छे से आप याद रखेंगे। जब CO2 है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि तब बना तो रहा है H2SO3, ये जो एंजाइम है ना इसमें जिंक होगा कंटेन, ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है, और जो H2CO3 का जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोनिक एसिड का, ये जाकर आरबीसी में जाकर फॉर्मेशन हो रहा है। CO2 ट्रांसपोर्ट में जो ब्लड प्रोटीन होते हैं वो बफर के तौर पे काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 7.4 लगभग पीएच होता है ब्लड का, आर्टेरियल ब्लड जो होता है, तो उसका जो होता है प्रेशर। इसमें क्लोराइड शिफ्ट भी मैंने आपको बता दिया है, हैमबर्गर प्रोसेस वगैरह सब कुछ बता दिया है इसमें मैंने। एक एज लाइन हमारा इंपॉर्टेंट है, जो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लगभग 4 ml CO2 को डिलीवर करता है एल्वियोली के पास। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कैसे रेगुलेशन चल रहा है रेस्पिरेशन में, कैसे ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं हम। सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊं, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो कहाँ है, मेडुला में है, वहां पे केमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया एम्स 2016 में। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम से ही रेगुलेट होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। जब ब्रीदिंग हमारा वॉलेंट्री हो जाता है तो इंपल्स सेरेब्रम के पास भेजे जाते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। पहले तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मैंने आपको बता ही दिया है जो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मेडुला में है ये। इसके बाद आती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, रेट को मॉडरेटर इसको बोलते हैं, रेट को मॉडरेट करने के काम आता है, इसको स्विच ऑफ इंस्पिरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, स्विच ऑफ इंस्पिरेशन या मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम को करता है, रेगुलेट करता है। तो ये बातें थी इसके बारे में, यहां से क्वेश्चन पूछी गई है। हमारा जो केमोसेंसिटिव एरिया होता है ना, चाहे सेंट्रल हो चाहे पेरिफेरल हो, वो सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन से। हमारा यही सबसे खास फीचर होता है कि ब्रेन जो है, ब्रेन में जो केमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है वो हाई CO2 और हाई H+ कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं कर सकता हमारे ब्रेन को। तो कह सकते हैं ना ऑक्सीजन का रोल तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये लाइन हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं एरोटिक और कैरोटिड आर्टरी के बीच में। तो ये अदर केमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि लो PO2 को, हाई CO2 को, हाई H+ आयंस वगैरह को
ऑक्सीडेटेड ब्लड में ये जनरली रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर इनका सिग्नल जो है डीआरजी के पास भेजा जाता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वैगस नर्व के थ्रू। इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप ये दोनों याद रखना, कैरोटिड और एरोटिड आर्क। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिर क्या वो डिसऑर्डर्स हैं जिनके चलते ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो सबसे पहली चीज हम जिक्र करते हैं अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा वो चीज होता है जिसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स का हो जाता है, बेहद ही जिसको बोलते हैं दमा की बीमारी। नेक्स्ट आते हैं इम्फाइसेमा पे। तो इम्फाइसेमा जनरली सिगरेट और स्मोकिंग से ही होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर। अगर कोई लंबे टाइम से सिगरेट पी रहा है तो उसके जो एल्वियोली वॉल होते हैं वो डैमेज कर जाते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाता है, और इसके बाद जो रेजिडुअल एयर है वो धीरे 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 लंग्स में होते रहते हैं। तो इसको क्रॉनिक डिसऑर्डर तो बुला ही जाता है। तो मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आपको जानकर ताजुब हो गए, जो तीन डिसऑर्डर है ना, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछी जाती है, अस्थमा, इम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर में आप फाइब्रोसिस याद रखेंगे, सिलिकोसिस याद रखेंगे और एस्बेस्टोसिस याद रखेंगे। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है यहाँ से। ये कैसे होता है भाई? तो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में जो है, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में जो है, जहां पत्थर तोड़े जा रहे हैं वहां से जो धूल निकल कर आ रहा है, तो बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। लंबे समय तक अगर उसमें है तो हमारे लंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोलिफ्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इससे सीरियस डैमेज होते हैं, इसलिए मास्क वगैरह पहनने चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, और ये हमारा समरी दे रखा है। समरी के बाद जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बता रखा है? What will be the pressure, partial pressure of oxygen or partial pressure of CO2 atmospheric air में compared to alveolar air? तो आपको पता होगा जो PO2 होता है वो higher होता है, PCO2 जो होता है वो lesser होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, हाइपोक्सिया, जो कि नहीं दे रखा है टेक्स्ट में। हाइपोक्सिया क्या होता है? जब लो ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच रही है टिश्यू को तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। एक और टर्म इसी से रिलेटेड है, एनोक्सिया, जब ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू को बिल्कुल बंद हो जाए, एब्सेंस हो जाए, तो इसको बोलते हैं एनोक्सिया। तो ये सब चीजें हैं, बिल्कुल आपको मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, आप एक बार एनसीईआरटी का पूरा रीडिंग लगाएंगे अच्छे से, और इसी तरह बिट्स फॉर बायोलॉजी पे बने रहिए। बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे बिट्स फॉर बायोलॉजी पे आपकी तरफ से। तो बहुत ही बहुत शुक्रिया लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।